हेलो एवरीवन सो माय नेम इज़ विशाल कुमार एंड आई एम लिविंग इन जर्मनी नियर केमिस्ट तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ होटल फाखमान के बारे में कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ठीक है और ये होटल फाखमान है क्या तो ये जो होटल फाखमान आप अब आप इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंसी हैं या बहुत सारे लोग आपको सुनने में आया होगा कि आपको ये ऑफर कर रहे हैं होटल फाखमान ना तो आप ये होटल फाकमन एक्चुअली क्या है कि आप होटल में काम करोगे तीन साल की आपकी ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग में आपको करीब 900 यूरो ग्रॉस स्टीपेंड मिलेगा जो कि इन हैंड कट को टा करके चार सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ कुछ भी हो सकता है ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन आपके जगह और आपके एम्प्लॉयर के ऊपर ठीक है तो तीन साल आपकी क्या होगी ट्रेनिंग होगी ठीक तीन साल ट्रेनिंग में आपको अलग अलग स्टीचर्स होंगे हर साल हर छः महीने या साल पर आपका एक स्कूल होगा बेरोफ शूला उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोफेशन स्कूल तो वो प्रोफेशन स्कूल होगा आपको क्या करना होगा उस स्कूल में जाना होगा हर दो तीन महीने पर दो हफ्ते या तीन हफ्ते के लिए वहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे कि होटल फाखमान में आपको क्या क्या कर काम करना चाहिए जैसे हाइजीन का ख्याल रखना है, है ना तो आपको ये सब चीज़ें वो बताएंगे तो तीन साल तक तो, तो, तो आपका ये रहेगा साथ ही आपका क्या कि पहले साल सैलरी कितनी होती है तो पहले साल आपकी सैलरी होगी नौ सौ साढ़े नौ सौ यूरो ग्रॉस ग्रॉस बता रहा हूँ मैं सेकेंड ईयर एक हजार या एक हज़ार पचास हो सकती है और थर्ड ईयर ग्यारह सौ या ग्यारह सौ पचास होगी ठीक है अगर आप ये तीन साल का पूरा कर लोगे और पूरा करने के बाद आप तीन साल बाद आपका एग्ज़ाम देना होगा अगर आप एग्ज़ाम वो पास कर जाओगे फिर आपकी सैलरी दो हजार बाईस सौ पच्चीस सौ तीन हजार डिपेंड करता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया और साथ ही क्या होता है मोस्ट ऑफ केसेस में कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है वो एम्प्लॉयर ही आपको क्या करेगा आफ्टर थ्री इयर्स आपको वो जॉब दे देगा तो ये था होटल फाकमान के बारे में और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा हाउस बिल्डिंग क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है ओके थैंक यू